हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा वीडियो लेकर के आई हूँ। मीशो हॉल है, जो भी चीजें मैंने परचेस करी हैं वो सब मीशो से परचेस करी हैं, बहुत ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए। करवा चौथ आने वाला है तो मैंने सोचा एक करवा चौथ पर तो वीडियो होना ही चाहिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे मीशो हॉल है, आप लोगों को पसंद भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मंगवाई है, बहुत ढूंढ ढूंढ के मंगवाई है। एक एक चीज, मतलब आपकी साड़ी, चुनरी एंड आपकी हेयर एक्सेसरीज एंड आपकी ज्वेलरी, सब कुछ। तो पूरा हॉल देखिएगा, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वहां से परचेज कर सकते हैं। मीशो पे अभी सेल चल रही है एंड वहां पे आप परचेज जब करते हैं ना, तो एक बात बताती हूँ आपको, जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, मतलब कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो आपको वो कुछ ना 20-25 रुपए कम ही का रेट का पड़ जाता है, जो भी प्रोडक्ट होता है। तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए, पूरे हॉल को अच्छे से वॉच करिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छी साड़ी चाहिए होती है, साड़ी चाहिए तो उसकी मैचिंग का ब्लाउज चाहिए होता है, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी चाहिए होती है, तो वही सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इस समय एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी साड़ी आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखा होगा, तो ये है वो साड़ी। मैंने अभी इसको ओपन करा था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये येलो एंड मैजेंटा रानी कलर की साड़ी है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी साड़ी है। ये देखिए, इसमें पूरी चौड़ी बॉर्डर की ऐसी लेस लगी हुई है एंड मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए टेसल्स लगे दिख रहे हैं, चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है, ये आपका जो है ये पल्ला आ जाता है। पूरी साड़ी मैं देख बता दूं आपको, ये येलो कलर की है एंड आपको पता है जब फेस्टिवल होते हैं तो रेड येलो ग्रीन कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सो आंख बंद करके आप ये साड़ी परचेज कर सकते हैं। इसमें मैजेंटा कलर का ये ब्लाउज दिया हुआ है, लेकिन आप पता है आप मंगा लेते हैं साड़ी और ब्लाउज नहीं सिल पाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से ना ऑनलाइन अपना ब्लाउज भी बुक कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने ब्लाउज पहना है ये कहां से लिया है, तो मैंने ये भी मीशो से लिया है एंड इसमें कई सारे कलर भी अवेलेबल हैं, येलो, रेड, मैजेंटा एंड ग्रीन, ब्लू, आपको जो भी कलर लेना है वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ये देखिए, पूरी साड़ी जो है वो येलो कलर की है एंड इसमें ना मैजेंटा कलर का पल्ला है, मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, नीचे का जो इसका एम्ब्रॉयडरी है वो देखिए आप, कितना चौड़ा सा बढ़िया सा है एंड इसका प्राइस आई थिंक कुछ 1100 था। सो ये देखिए, यहाँ पे आपको मैजेंटा कलर का, येलो ऑरेंज कलर का पल्ला मिल जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं, चौड़े बॉर्डर के साथ, टेसल्स के साथ एंड यहाँ पे ना मोतियों बीड्स का काम है, ये देखिए काफी ज्यादा सुंदर है। सो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो साड़ी है एंड सेकेंड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ये जो ब्लाउज है ये भी मीशो से है। सो फिटिंग इसमें हर साइज आती है, फिटिंग एकदम परफेक्ट है, थोड़ा सा मेरे को ना स्लीव्स में ये लूज लग रहा है, तो मैं इसको हल्का सा अगर टाइट करूंगी तो ये मेरे को बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसको आप किसी भी और भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, जैसे मैंने इस साड़ी के साथ भी पहना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो जा रहा है। सो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया है, बहुत ही बेहतरीन सा ब्लाउज है, इसकी फिटिंग कटिंग बहुत अच्छी है। सो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने दो चुनरी मंगाई है, ये देखिए, क्योंकि जब आप साड़ी पहनेंगे तो सर पे आप चुन्नी रखेंगे, ठीक है, तो मैंने इसका शॉर्ट डाला था, आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे, तो दो चुन्नी है, दो चुन्नी में एक जो है वो पूरी प्रिंटेड चुनरी प्रिंट की ही है, दिखाती हूँ मैं आपको इसे का, इस तरह से ये साइड में डल जाएगा और एक तरफ से साइड में आपका ये पल्ला रहेगा, ठीक है, और आप जब इसको सर पे डालेंगे ना, सो इस तरह से ये सर पे पल्ला भी लग जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा पूरा लुक। यहाँ पे आपकी बनी बनाई प्लीट्स जो हैं वो बनी बनाई हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये ना पूरा चुनरी प्रिंट का ही है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आया था, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट चुन्नी हो गई, जो कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये हो गया मेरा चुन्नी फर्स्ट वाली एंड जो सेकंड वाली चुनरी है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड चुनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो चुनरी है ये प्लेन है, मतलब है तो प्रिंटेड बट प्लेन है ये वाला कपड़ा, ये देखिए बीच में प्लेन है। सो दोनों ही अच्छी है, जो आपको पसंद आया आप वो ले सकते हैं एंड इसका ये देखिए ये जो प्रिंट है ये प्लेन है, वो वाले में पूरा प्रिंटेड चुनरी प्रिंट। तो मैंने दो चुनरी मंगाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे स्वास्तिक का बना हुआ ये प्रिंट पूरा है, ये देखिए, और ये इस तरह से चुनरी आती है, मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ। जो ये ब्रोच है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, सो इस तरह से ये दिखाती हूँ मैं आपको,
ऐसे करके आप रख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा। और इसको ना आजकल यहाँ पे ऐसे करके पीछे लगा लिया जाता है नीचे से, ऐसे आजकल एक ना वो चल रही है ड्रेपिंग, तो ये पीछे से ऐसे सेट हो जाएगी इस तरह से। और आप इसको सर पे पल्ला भी रख सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये लुक पूरा जो है वो आने वाला है। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल चुन्नी है और इसका जो ये ब्रोच लटक रहा है ना, ये भी काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ है। ओके, तो साड़ी हो गया, ब्लाउज हो गया, चुनरी हो गई। अब बात करते हैं अपने ज्वेलरी की, नेक पीस की। तो ये जो आप बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का ज्वेलरी देख रहे हैं ना, देखिए ये इसका इयररिंग है, ये इसका नेक पीस है। ये भी मीशो से है, इसके कई कलर अवेलेबल हैं। आप वहां पे आपको जो भी कलर चाहिए, पिंक, रेड, ग्रीन, वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन मंगाया है आपको दिखाने के लिए अपनी साड़ी के साथ मैचिंग के लिए। ओके, तो इसके बाद एक अच्छी सी नट्स चाहिए होती है ना, तो एक प्यारी सी नट्स चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये अब की बार थोड़ी डिफरेंट नट्स मंगवाई है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है, आप इसको, छोटी सी नथ है बिल्कुल, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी है। और आप इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लगा लीजिए, तो एक छोटी सी नथ भी बन जाएगी और ये साइड में ऐसे लटकन लग जाएगा, तो थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा। पैकेजिंग वाइज काफी अच्छी आई थी इस तरह से। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने मंगवाया है गजरा, तो मेरा गजरा ये वाला था जो कि मिल नहीं रहा था, खो गया था। तो इस बार मैंने इसमें ना गुलाब के फूल वाला गजरा मंगवाया है। तो इस तरह से पहले तो आप ये जो बन लगा हुआ है, ये बन मैंने एक और नया मंगवाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी मीशो से ही मंगवाया है, तो पूरा मतलब आपका श्रृंगार का सामान जो है वो मिल जाएगा आराम से। ये देखिए, ये मैंने नया स्क्रंची मंगवाया है, ये वाला मैं हटा करके ये वाला स्क्रंची इस बार यूज करूंगी। और इसके ऊपर आप एक बढ़िया सा ये गजरा ये लगा लीजिए, देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हेयर स्टाइल जो है वो आपका बन जाएगा। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पूरा ओवरऑल लुक जो है वो मेरा कैसा लगने वाला है वो अब आप इमेजिन कर लीजिए। कुछ इस तरह से मैं आपको करवा चौथ मेरा जो लुक रहेगा ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से पूरा लुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये जो हॉल है, ये जो मेरा मीशो हॉल था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। एंड बताइए नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा आपके साथ करवा चौथ कुर्ता प्लाजो सेट शेयर करने वाली हूँ, अमेजोन हॉल होगा, उसको भी मिस आउट मत करिएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो चलो इस हॉल को यहीं पे फिनिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज के हॉल को आपने बहुत पसंद किया होगा। सबकी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।